हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक की क्लास में हमने न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन के टाइप, हाउ ए न्यूरॉन मैसेज इज कंडक्ट, सिनेप्टिक नोब एंड हाउ एन इम्पल्स इज ट्रांसफर बाय न्यूरॉन्स टू द न्यूरॉन्स, पिछली क्लासेस में इसके बारे में समझा था। आज की क्लास में हम जानेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसको ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है। तो जैसे आपको फिगर में जो दिख रहा है, ब्रेन, यहाँ पर हमारा न्यूरॉन का हेड होता है ब्रेन, और वो ब्रेन से निकला हुआ न्यूरॉन्स का जाल पूरे हमारी बॉडी पे, पूरे शरीर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, हमारा न्यूरल सिस्टम कैसा वर्क करता है, इसके क्या डिवीजन्स हैं, इसके क्या पार्ट्स हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, यानी कि CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हेड ऑफिस, वो होता है हमारा ब्रेन और ब्रेन से निकल आई हुई स्पाइनल कार्ड, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स टूअर्ड द बाउंड्री, ये तो हेड हो गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट आवर बिदर आल्सो इन द इंडिया ना, तो जो रूल्स रेगुलेशन जो दिल्ली से रेगुलेट हो जाएंगे, दिल्ली से पास होंगे, तो कहाँ तक आएंगे, बिदर तक आएंगे। तो हमारा बॉडी का जो कैपिटल है वो ब्रेन है, वहाँ से चलता है, वो आता है हमारे उंगलियों तक, नाखूनों तक, पैरों तक, यस टूअर्ड द बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप है, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी पे नज़र रखा हुआ होता है, और दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो बिना बोले वो हमारी बॉडी का वर्क करता है या कराता है, जिसको हम बोलेंगे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। चलिए जानेंगे इनके बारे में डिटेल में वन बाय वन। सो फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस CNS, जिसका पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जैसे कि आप जाने हैं। तो ब्रेन के बारे में आज हमें समझना है। ब्रेन, इट इज ए प्रोटेक्टेड इन ए क्रेनियल कैविटी, जैसे कि आपको लेबलिंग में दिखा रहा है खोपड़ी, हमारा जो सर है तेली अनदर नोट तेली तो खोपड़ी निर्तला, उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इट हैज थ्री लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर तीन लेयर के कनेक्टिव टिश्यू है, कॉल्ड क्रेनियल माइनिंग्स, थ्री लेयर्स ऑफ माइनिंग्स, उसके कनेक्टिव टिश्यू के भी तीन लेयर है, आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल एराकनॉइड मैटर एंड इनर पी मैटर, तीन लेयर के उसके आउटर मोस्ट लेयर है तीन। ठीक है, द सब एराकनॉइड स्पेस बिटवीन पी एंड एराकनॉइड मैटर इज फिल्ड विद द सरब्रोलियल फ्लूइड, दिस द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर आल्सो फिल्ड विद दिस सेम। ओके, उनके बीच में एक लिक्विड से फिल्ड किया गया होता है वो, ठीक है, राइट उसका प्रोटेक्शन क्रेनियल मीनिंग के तीन लेयर है, आउटर मिडल एंड द इनर वन।
right? I think you people can understand it very well. Now, the brain has three parts. Brain ke teen part hote hain. Forebrain, yani ke prosencephalus, middle brain, mesencephalon, and hindbrain, rembrocephalon. देखिए फोरब्रेन कहाँ है आप लेबलिंग में देख सकते हैं, सेरेब्लम, थैलामस, हाइपोथैलामस, ये फोरब्रेन का पार्ट हो गया. मिड ब्रेन कहाँ है ये भी आपको लेबलिंग में इजीली दिख रहा है. हिंड ब्रेन कहाँ है और हिंड ब्रेन के क्या पार्ट्स है, पॉन्स है, मिडुला ऑब्लंगटा है, देन सेरेब्लम है, स्पाइनल कार्ड है, ये आपको इजीली लेबलिंग में नज़र आ रहा है. जिसको आपको लेबल भी एग्ज़ाम में ये डायग्राम भी ड्रा करना है, आपकी नोटबुक में आपको ये डायग्राम भी ड्रा करनी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर ब्रेन यानी कि कहाँ था आप देखेंगे, स्पेशली उन्होंने फोर ब्रेन को येलो पैच में लेबल रखा. देखिए इट इज़ एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस, इट कंसिस्ट सेरेब्रम, डेंसीफेलॉन, थैलमस एंड हाइपोथैलमस आर द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. ठीक है, देन सेरेब्लम जिसका पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरेब्लम पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है ये. इट हैज टू सेरेब्लम हेमिस्फीयर्स, जो आप देख रहे हैं आप डायग्राम में, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स को जोड़ाकर एक सेरेब्रम बनाया जाता है. हेल्ड टुगेदर बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको हम कार्पस कैलोसमस कहते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम विथ वेरी इजीली. देन आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इट हैज कन्वेंशनल एंड डिप्रेशन. यस, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रे मैटर, वो ग्रे रहेगा और उसमें डिप्रेशन रहेगा, यानी कि वो गड़ा गड़ा जैसा दिखने लगेगा. ग्रे मैटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी रहने की वजह से वो ग्रे लगेगा. हमने आप पिछली क्लास में बोला था मैंने ग्रे और वाइट मैटर के बारे में. इनर पार्ट फॉर्म्ड बाय वाइट मैटर, आउटर ग्रे रहेगा और इनर वाइट रहेगा. देन सेरेब्रम कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ मोटार न्यूरॉन, यानी कि सेरेब्रम में होता क्या, मोटार न्यूरॉन कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी को मस मूवमेंट कंट्रोल होता है. सेंसरी पार्ट भी होता है इसके पास, कंट्रोल एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. एक्सेसरी एरिया भी होते हैं जिस नाइदर नियरली सेंसरी नॉर मोटार, इन बिटवीन होते हैं. इट फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन का पार्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, जो आपको लेबलिंग में इजीली दिख जाएगा. इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द सेंट्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल द इंटेलिजेंसी, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग एंड आर्टिकुलेटिंग स्पीच आर विल बी डन बाई दिस सेरेब्रम. डेंसीफेलॉन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जिसके पास होता है थैलमस. इट इज द स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरेब्रम वैप्स होते हैं. इट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल ग्रे रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटार इम्पल्स. ठीक है, हाइपोथैलेमस उसी के पास होता है. सी बिलो द थैलेमस, दैट इज द हाइपोथैलेमस. इसका फंक्शन होता है इट रेगुलेट द टेम्परेचर, थर्स्ट यानी कि प्यास, हंगर एंड इमोशंस. सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कंट्रोल स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. सारी चीज़ों को ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है. नाउ द इनर, ये आप जस्ट लिख लीजिए जैसा दिख रहा है. इसका रेगुलेशन सेक्सुअल बिहेवियर पे है, इमोशंस में है, मोटिवेशंस पे है. ठीक है, ये सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं.
फोर ब्रेन के वो फहम ये सारे फंक्शंस उसके होते हैं, ठीक है। देन कम्स मिडल ब्रेन जो बीच का होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस एंड पॉन्स, द केनाल उसके पास एक केनाल होती है वहाँ, द केनाल सेरेब्रल सेरेब्रल एक्वाडक्ट पास थ्रू द मिडल ब्रेन, द मिडल ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर राउंड लोब्स कॉल कॉर्पा एक्वाड्रेमिया, देयर एंटीरियर पार्ट इज द सेंट्रल इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड द पोस्टीरियर पेयर इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि सुनने के लिए। हिंड ब्रेन जो लास्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्लम्स पॉन्स एंड मिडुला ऑब्लोंगाटा, द मिडल एंड हिडन हिड ब्रेन फॉर्म्स ए ब्रेन स्टेम, इसको हम बोलेंगे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं हम, ठीक है। हिंड ब्रेन जो लास्ट पोर्शन है नोन एज लिटिल सेरेब्लम, छोटा सा, एंड इट इज़ वेरी कन्वोलेटेड सरफेस टू अक्यूमिडेट मोर न्यूरॉन्स, सारे न्यूरॉन्स इसी में ज़्यादातर होते हैं। इट कोऑर्डिनेट मसल्स एक्टिविटी एंड बॉडी इक्विलिब्रियम को कोऑर्डिनेट करता है, ये भी आप लिख सकते हैं उसके बाद, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम, दिस विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट, वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कार्ड, यहाँ तक आप यू कैन टेक इट डाउन, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।